हरे कृष्णा। तो आज हम लेंगे उपदेशामृत श्लोक संख्या 5। ये है भक्ति का संपूर्ण ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के लोग मंदिर में आते हैं। जैसे शास्त्रों में 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया है। शिला रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत श्लोक संख्या 5 के माध्यम से ग्रंथ में वर्णन किया है, उसका हम चर्चा करेंगे 5वें श्लोक के माध्यम से, जो कि उपदेशामृत से लिया गया है। कृष्ण इति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत दीक्षा अस्ति चेत प्रतिभि च भजन्तम् ईष्म शुशुष्या भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदा आदि शून्य हृदयम इपिस्त संग लभ्यदा। तो इसमें शिला रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला उत्तम अधिकारी, दूसरा मध्यम अधिकारी और तीसरा कनिष्ठ अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताया गया है, वो भगवान के नाम लेते हैं और वो सब भक्तों के साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं। कनिष्ठ भक्त कथा सुनते हैं, भक्तों के माध्यम से भजन और कीर्तन में संग लेते हैं, वो माला जपना शुरू कर देते हैं जब भक्तों के संग में आते हैं, भगवद गीता पढ़नी शुरू कर देते हैं। कहते हैं कृष्ण यस्य गिरिम श्लोक, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम ले रहा है तो वो कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। सिर्फ नाम लेने से वो कनिष्ठ अधिकारी के पद तक पहुंच जाता है। उसके लिए सम्मान होना चाहिए, भक्तों को ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग से हमें भक्ति प्राप्त होती है। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है उसको अपने से उच्च वर्ग के अधिकारी से संपर्क में रहना चाहिए और भगवान के बारे में सुनना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी का संग नहीं करना चाहिए, केवल उनको अपना संग देना चाहिए प्रेरणा देने के लिए, ना कि उसका संग करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, वो आपको अपनी चर्चा बताएंगे और आप उन्हीं की चर्चाएं को सुनते रहेंगे, मगर आपको क्या करना है, आपको कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। तो आप अगर मध्यम अधिकारी के स्तर पे हैं तो आप कनिष्ठ अधिकारी को भगवान के बारे में बताएंगे, ताकि उसकी रुचि भगवान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। उसका मन इतना विकसित नहीं हुआ होता, क्योंकि वो अभी नया भक्त होता है, नया नया जुड़ा होता है, नया माला करना शुरू करता है, भक्तों का संग करता है, भजन करने लगता है, भगवद गीता पढ़ने लगता है। तो उसको संग देना चाहिए ताकि उसको प्रेरणा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो भगवान के बारे में जान पाए। उसका हमें संग नहीं करना चाहिए, उसको संग देना चाहिए, क्योंकि उसका मन जो है उद्विग्न रहता है, कहीं ना कहीं विचलित रहता है, इतना संतुलित नहीं रहता ताकि वो भगवान में निरंतर रूप से लगा रहे। कहीं ना कहीं उसके मन में चंचलता रहती है। उसके साथ प्रेम दिखाना चाहिए, उपदेश देना चाहिए और उत्साह बढ़ाना चाहिए ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भक्तों का। फिर आता है मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी होने के बाद व्यक्ति हर समय भगवान का नाम लेता रहता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है और इन्हीं कार्यों में जुड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से भगवान की सेवा में रत रहने का प्रयास करता है और प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एक होता है समदर्शन, एक होता है समवर्तन। तो यानी कि सामान्य रूप में सबको देखना चाहिए, इसको कहते हैं समदर्शन, और समवर्तन मतलब उनके अनुसार उनको
संग देना चाहिए। जिस प्रकार से आत्मा के लेवल पे एक कुत्ता और एक ब्राह्मण दोनों की आत्मा एक है, दोनों की आत्मा सामान्य दर्शन में है, मगर संवर्तन मतलब दोनों के साथ हमें अलग अलग व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तो दोनों का स्थान अलग अलग है। इसका मतलब आत्मा के स्तर पर सामान्य देखना है, मगर व्यवहारिक स्तर पे हमें दोनों को भिन्न सेवा प्रदान करनी है। मान लीजिए जू में हम जाते हैं, शेर को देखते हैं, पत्थर मानते हैं, माने जान लीजिए कि हमने पत्थर माना, मतलब हम उसको आत्मा के स्तर पे नहीं देख रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी आत्मा का आदर हम नहीं कर रहे हैं। मगर हमें क्या करना चाहिए, हमें सामान्य दर्शी बनना चाहिए, हमें सामान्य रूप से सबको एक समान देखना चाहिए, भगवान के अंश के रूप में। हमें उससे दुर्व्यवहार नहीं करना है, मतलब समदर्शी बनना है ना। और फिर भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान भगवद गीता में, भगवान ने कहा है, विद्याविनी संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो समदर्शी होना चाहिए, उनको उनको सबको एक समान रूप से देखना चाहिए, मंदिर में आने वाले सब भक्तों को समान दृष्टि से यानी समदर्शिता से हमें देखना चाहिए। लेकिन व्यवहार अलग अलग होना चाहिए, कई बार उच्च श्रेणी के वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, कई बार उनसे जूनियर वैष्णव होते हैं, तो हमें जूनियर वैष्णवों को प्रेम प्रदान करना चाहिए और सीनियर वैष्णवों को हमें अपना क्या करना चाहिए, अपनी शरणागति देनी चाहिए, ताकि उनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। सड़क पर सांप, जैसे कहते हैं ना, अगर हम समदर्शिता कर रहे हैं तो इसमें मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि हमने सांप चलता देखा तो उसको उठा के गले में डाल लिया और सांप ने आपको डस लिया। समदर्शिता मतलब उसको देखना है, व्यवहारिक स्तर पर उसको सम्मान देना है, मगर ऐसा नहीं उसको उठा के गले में डाल देना है। सबके साथ समान दर्शन करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। जो लोग नए हैं, भक्ति सीख रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रेम प्रदान करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, उसको अपना संग देना चाहिए। अगर वो ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनकी थोड़ी बात में उनको ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं, उसको अपने संग को प्रदान करना, ताकि वो भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात सुन सके। अगर हम उनका संग लेंगे तो हम उनकी बातों में ऐसा ना हो कि हमारी भक्ति भ्रमित हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें शास्त्रों के अनुसार से भगवद गीता के दर्शन के माध्यम से उनको उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उनको उनके बारे में 10% सुनना है और बाकी का 90% हमें भगवान का उपदेश उसको देना है शास्त्रों के माध्यम से, उसे अपना संग प्रदान करना है, यही माध्यम होना चाहिए। जैसे कि 11वें स्कंद के 2वें श्लोक के 43 श्लोक नंबर में, 11th कैंटो चैप्टर 2 43 श्लोक का, इसमें संवर्तन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया जाता है मध्यम अधिकारी सबके साथ अलग अलग व्यवहार कर सकता है। मध्यम अधिकारी क्या है, मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर है, जो निरंतर भगवान की सेवा में अपने आप को रत रखता है, हमेशा भगवान के बारे में बात करता है, भगवान के बारे में चर्चा करता है और दूसरों को प्रेरणा देता है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो क्या कर सकता है, सबसे अलग अलग व्यवहार कर सकता है। दर्शन सामान्य व्यवहार, दर्शन सामान्य होना चाहिए, व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। जैसे माँ बहन बेटी सब एक सामान्य दर्शन है, मगर सबके साथ व्यवहार हमारा अलग अलग है। सामान्य दर्शन क्या है, ये सारी स्त्रियां हैं, मगर हमारा व्यवहार उनसे अलग अलग है। सामान्य दर्शन में तीनों को एक समान व्यवहार नहीं दिया जा सकता। भक्त हमेशा तलवार की धार के ऊपर चलता है और उसे क्या करना चाहिए, बहुत संभल कर अपने व्यवहार को करना चाहिए, है ना। तेजी से चलेंगे तो गिर जाएंगे, बहुत ही संभल के हमें अपने व्यवहार को करना चाहिए। बहुत सूझबूझ से और व्यवहारिक स्तर से कृष्ण चेतना में रहते हुए हमें सीनियर को से संग लेना है और अपने जूनियर को अपना संग देना है, मतलब कनिष्ठ अधिकारी को हमें